गुड मॉर्निंग। एजीडीएमच्या लेक्चर मध्ये आपण मेथड्स ऑफ क्लोजिंग असेल तो पार्ट मागच्या लेक्चरला पाहिलाय, आणि आजच्या लेक्चर आपण रिझन्स बघणार आहोत की अनसक्सेसफुल क्लोजिंग कशामुळे होतं, म्हणजे जे काही सेल्स पर्सन्स आहेत ते जे काही इफेक्ट सॉरी ते जे काही डेमॉन्स्ट्रेशन करतात किंवा प्रेझेंटेशन करतात, त्यानंतर कस्टमरला जेव्हा तुम्हाला काय करायचंय रेडी करायचंय, आपण बऱ्याच मेथड्स त्याच्यासाठी बाईंग साठी रेडी करताना आपण शेवटचा जो डिसिजन असतो तर तो बायरने बाय केलं पाहिजे हे आपलं फायनल गोल असणार आहे, पण तिथे क्लोज कसं करायचं म्हणजे कसं कशा पद्धतीने त्यांना आपण रेडी करायचं, तर ते सगळ्या मेथड्स आपण स्टडी केल्या, पण तरी सुद्धा कधी कधी आपल्याला त्यामध्ये सक्सेस मिळेलच असं नाही। जैसे की हम लोग देखते ना एफर्ट्स तो बहुत लिए सेल्स पर्सन ने लेकिन फिर भी बाइंग नहीं हो रहा है, तो उसका रीजन क्या है हम लोग सोचते हैं उसके बारे में, तो यहाँ पे भी उन्होंने कुछ रीजंस दिए। फर्स्ट रीजन है रॉन्ग एटीट्यूड। सी दिस रॉन्ग एटीट्यूड है मतलब क्या है कि सब सेल्स पर्सन को सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है, तो सक्सेस और फेल्यूर ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि सेल्स पर्सन का एटीट्यूड किस तरह का है। एटीट्यूड यानी पॉजिटिव एटीट्यूड अगर है, पॉजिटिव एटीट्यूड से आप क्लोज कर रहे हैं सेल्स को तो शायद सक्सेसफुली क्लोज हो सकता है सेलिंग, एंड द रॉन्ग एंड नेगेटिव एटीट्यूड इज मोर लाइकली टू मेक इट अनसक्सेसफुल। रॉन्ग एटीट्यूड यानी वो लोग क्या करते हैं, तो हम लोग भी सोचते हैं ना कभी कभी, बहुत बार हमें गुस्सा भी आता है इतना सब कुछ दिखाने के बाद अगर कोई कस्टमर कहता है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा आपका प्रोडक्ट, तो फिर पेशेंस बहुत जरूरी रहते हैं ऐसे हालात में, क्योंकि हमें किसी भी तरह से सक्सेस चाहिए इस क्लोजिंग की प्रोसेस में, तो पेशेंस अगर नहीं तो आपका रॉन्ग निगेटिव एटीट्यूड दिखता है, आप गुस्सा करते हो या ये आपके चेहरे से एक्सप्रेशन से कस्टमर को अगर दिखाई दे रहा है तो शायद बुरा भी लग सकता है, तो हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, निगेटिव एटीट्यूड नहीं दिखाना है यहाँ पे। द एटीट्यूड और अप्रोच ऑफ सेल्स पर्सन सेट्स द टोन ऑफ द सेल्स टॉक। कभी कभी टोन की वजह से भी वो एटीट्यूड दिखाई देता है, निगेटिव एटीट्यूड। हम लोग बहुत रफली हार्डली कुछ वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो भी समझ में आता है, टोन में भी वॉइस में भी अगर आपकी गड़बड़ है, ऊंची आवाज में बात कर रहे तो भी यहाँ पे निगेटिव एटीट्यूड दिखता है सेल्स पर्सन का, यानी कि इस तरह से क्लोज नहीं करना है नहीं तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। रॉन्ग एंड निगेटिव एटीट्यूड कैन बी वर्स एंड इवन पॉजिटिव रिमार्क्स और स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट मे बी मिसअंडरस्टूड एंड दिस मे इजीली अफेक्ट द आउटकम। तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमार्क्स यानी कि आप अगर नहीं भी रेडी हो रहे तो भी मुझे क्लोज करना है, तो हमें क्या करना है कुछ स्टेटमेंट्स इस तरह के प्रोस्पेक्ट को देने। प्रोस्पेक्ट यहाँ पे कौन है, कस्टमर आपका, तो उसके लिए आपका जो भी स्टेटमेंट है पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव रिमार्क वाला, तो जिसकी वजह से शायद वो दो दिन के बाद भी रेडी हो सकता है, ऑन द स्पॉट भी नहीं परचेस किया डिसीजन नहीं लिया तो भी शायद पॉसिबिलिटीज बढ़ते हैं यहाँ पे। इज दैट क्लियर? यानी कि अनसक्सेस होने के पीछे पहला रीजन है आपका रॉन्ग एटीट्यूड, सेकेंड थिंग है इनकम्प्लीट प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, प्रिपरेशन नहीं है या प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट है, तो हाफ प्रोसेस मुझे पता है, डेमो में मैं हाफ प्रोसेस तो बिल्कुल सफाई से करती हूँ, आगे की जो प्रोसेस है वो बोलते वक्त भी मुझे कंफ्यूजन है तो शायद उसमें भी दिक्कत हो सकती है कस्टमर को। इनकम्प्लीट प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन कैन बी अनदर फैक्टर रिजल्टिंग इन अनसक्सेसफुल क्लोज। सम सेल्स पीपल डू नॉट प्रिपेयर देयर सेल्स टॉक और प्रेजेंटेशन वेल। हे असं कधी होतं बघा, मी तुम्हाला सांगते, तुम्ही आता टीवाय ला आहात, नेक्स्ट सेमला तुम्ही प्रोजेक्ट बनवणार, प्रोजेक्टचं तुम्हाला प्रिपरेशन प्लस प्रेझेंटेशन या दोन्ही गोष्टी कराव्या लागतात। आता तो प्रोजेक्ट तुम्ही स्वतः तयार केलाय, पण तुम्हाला ऍक्च्युअली जेव्हा क्वेश्चनिंग येईल, एक्सटर्नल एक्झामिनर जेव्हा क्वेश्चन विचारतात तेव्हा मी काय बोलणार आहे याचं मी प्रिपरेशन केलेलं नसतं। प्रिपरेशनची गरज केव्हा पडते, जेव्हा आपल्याला ते अंडरस्टँड झालेलं नसतं। काही मॅटर्स असे असतात की त्यामध्ये तुम्हाला काही तुमचे थॉट्स तुमच्या वर्ड्समध्ये त्या
प्रोजेक्ट रिलेटेड काय करायचे असतात, एक्सप्रेस करायचे असतात, आणि नेमकं मी काय बोलणार आहे हेच मला माहिती नसतं. आणि मग अचानक क्वेश्चन आला की तेव्हा तुम्ही प्रिपरेशनला माइंडमध्ये सुरुवात करता, मग तो जो काही कम्युनिकेशन मध्ये गॅप येतो, क्वेश्चन येऊन एक दोन मिनिटाचा पिरियड गेलेला आहे आणि त्यानंतर तुम्ही विचार करून बोलायला सुरुवात केली, म्हणजे तुम्ही वेल प्रिपेअर नाही आहात, तुम्हाला त्या प्रोजेक्टची माहिती नाही किंवा तो प्रोजेक्ट कॉपी पेस्ट आहे, असं आपण काय करू शकतो इथे गेस करू शकतो. कुठलाही एक्झामिनर असेल तर तो अशाच पद्धतीने गेस करेल. सेम ऍज इट इज इथे काय होतं की इनकम्प्लीट प्रिपरेशन असेल तुमच्या सेल्स पर्सनचं, जो काही प्रोडक्ट तो दाखवणार आहे तर तो प्रेझेंट करताना कस्टमर समोर जेव्हा तो डेमो करेल, प्रेझेंट करेल, इंट्रोडक्शन देईल, त्यावेळी मला नक्की काय बोलायचं आहे हे मला स्टेप बाय स्टेप माहिती असणं गरजेचं आहे. त्याचा विचार, त्याचं प्रिपरेशन मी अगोदरच केलं पाहिजे. अदरवाईज काय होईल की तुम्हाला गडबड होईल किंवा मध्येच तुम्ही थांबाल, मग ते बॅड इम्प्रेशन त्या कस्टमरवर पडेल. त्यामुळे काय होईल की तो बाईंगसाठी रेडी होणार नाही. कदाचित यांनाच खूप सारी माहिती नाहीये, म्हणजे हे फेक प्रोडक्ट आहे असं मिसअंडरस्टँडिंग सुद्धा कस्टमरला होऊ शकतं. त्यामुळे हे प्रिपरेशन आणि प्रेझेंटेशन इनकम्प्लीट असू नये. ऑल स्टेजेस ऑफ द सेलिंग प्रोसेस लाईक इंट्रोड्युसिंग, प्रॉस्पेक्टिंग, प्रेझेंटेशन, हँडलिंग ऑब्जेक्शन अँड डेमॉन्स्ट्रेशन ऑल्सो शुड बी केअरफुली प्लॅन अँड एक्झिक्युटेड स्टेप बाय स्टेप इन लॉजिकल सिक्वेन्स. फक्त इथे लॉजिक्स वापरायचे आहे. प्रत्येक गोष्ट कंपनीने तुम्हाला सांगितलेली नाही. कंपनीने जस्ट तुम्हाला काय केलेलं आहे, ट्रेनिंग प्रोव्हाइड केलेलं आहे की तुमचं कम्युनिकेशन स्किल कसं डेव्हलप करायचंय, किंवा कस्टमरच्या कंप्लेंट्स आल्या तर तुम्ही कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स देणार आहात. कधी कधी असं होतं की एखादा क्वेश्चन त्यापेक्षा डिफरंट असेल, मग मला माझं लॉजिक डेव्हलप झालेलं असतं. मी जर एवढा ट्रेनिंग घेतलेला पर्सन आहे किंवा माझ्याकडे एक्सपिरियन्स आहे, 8-10 कस्टमर पर्यंत मी आजपर्यंत गेलेलो आहे, साधारणपणे कस्टमरची सायकोलॉजी काय सांगते, कस्टमर कुछ भी पूछ सकता है, कस्टमर के कुछ भी कन्फ्युजन्स हो सकते हैं, तो इस तरह का अगर क्वेश्चनिंग भी आता है, जब भी मैं क्वेश्चनिंग ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रही हूँ एज अ सेल्स पर्सन, एट दैट टाइम यू हैव टू टेक प्रिकॉशन्स. कुठल्या टाइपचे प्रिकॉशन्स घ्याव्या लागतील त्यामध्ये, की सपोज क्वेश्चन आल्यानंतर सुद्धा इथे तुम्हाला रॉंग ऍटिट्यूड जसं फर्स्ट त्याच्यामध्ये पाहिलं तुम्ही, की तो फार स्मूथली तुम्हाला त्यावरचं सोल्युशन सांगायचं आहे. क्वेश्चन कुठल्याही टाइपचं असेल मला पेशन्स ठेवायचे, तर माझं ऍटिट्यूड हे पॉझिटिव्हच दिसणं गरजेचं आहे. आणि त्या लॉजिकल सिक्वेन्स म्हणजे काय, की कस्टमरला आपल्याला काय करायचं आहे की ते प्रूव्ह करून द्यायचं आहे हा प्रोडक्ट कसा बेस्ट आहे तुमच्यासाठी जर परचेस केला तर. अशा पद्धतीचा रोल तुमचा ऍज अ सेल्स पर्सन म्हणून असणार आहे, तेव्हा तुम्हाला आउटकम्स मिळू शकतात. इज दॅट क्लिअर? एक्सटर्नल इंटरप्शन म्हणजे काय, समटाइम्स डिसकंटिन्युटी ऑर लॅप्स मे क्रीप इन सेल्स प्रेझेंटेशन. आता डिसकंटिन्युटी कशामुळे ते सपोज इमेजिन करा, अगर आप घर में हो, कोई सेल्स पर्सन आता है, वो अपना प्रेजेंटेशन करता है, प्रेजेंटेशन या कम्युनिकेशन जब सेल्स पर्सन और कस्टमर के बीच हो रहा है, ऐसे हालत में आपके घर में गेस्ट आ गए, कोई फ्रेंड आ गया, तो बीच में वो कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है. तो जो इंटेंशन उनका था, सेल्स पर्सन जिस इंटेंशन से कस्टमर को वो डेमो दिखा रहा है, तो उसमें गैप आने की वजह से क्या हो सकता है, इंटेंशन जा सकता है कस्टमर का भी और सेल्स पर्सन का भी. तो इंटरप्शन की वजह से हमारी डिसकंटिन्यू आती है उसमें जो भी प्रेजेंटेशन चल रहा है उसमें. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, द प्रोस्पेक्ट मे नॉट बी इन मूड टू क्लोज द सेल इमिजिएटली एंड मे इवन आस्क द सेल्स पर्सन टू कम सम अदर टाइम. तो यहाँ पे क्लोज नहीं हो पाता है आपका सेल. क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि बीच में कोई अगर गेस्ट आता है, फ्रेंड आते हैं या कोई भी अदर पर्सन आपके घर में आता है, तो कस्टमर ये चाहता है कि अभी हम क्लोज नहीं करने वाले, आप किसी और टाइम पे आ जाओ, अभी हमने पूरा तो सुना नहीं, हम जस्ट सुन ही रहे थे. ऐसे हालात में क्या हुआ कि डिसकंटिन्यू हो गया आपका कम्युनिकेशन. तो हमें इस तरह से भी, ये भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाता, सक्सेसफुल क्लोजिंग नहीं हो पाता. नेक्स्ट दिया है मिस इंटरप्रिटिंग द प्रोस्पेक्ट. अभी मिस इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है, कि कभी कभी गलत अंडरस्टैंडिंग कर लेता है कस्टमर.
मिसइंटरप्रेटिंग मतलब सम सेल्स पीपल मिसअंडरस्टैंड एंड मिसइंटरप्रेट द प्रोस्पेक्ट ड्यूरिंग द सेल्स टॉक और प्रेजेंटेशन. जैसे मैंने पहले से ही आपको बताया कि वेल प्रिपेयर होके जाना है एज अ सेल्स पर्सन. जब भी मैं मेरे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करूंगी, मेरी कंपनी को इंट्रोड्यूस करूंगी, तो ऐसे हालात में अगर मेरा प्रिपरेशन सही से नहीं है तो मैं ऑन द स्पॉट कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर देती हूँ कि जिसकी वजह से मेरा प्रोस्पेक्टस जो है यानी मेरा कस्टमर जो है क्या कर लेता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेता है, चुकीचा अर्थ लावला जातो. ओके, तर त्याचा इम्पॅक्ट पण काय होतो की सक्सेसफुली क्लोज होत नाही तुमचं जे काही सेलिंग आहे, तर त्यामध्ये सक्सेस तुम्हाला मिळत नाही. प्रॉस्पेक्ट मे टेक ऑब्झर्वेशन्स, मेक ऑब्झर्वेशन्स, मेक स्टेटमेंट्स और आस्क क्वेश्चन्स. अगर आप कन्फ्यूज हो तो ऐसे हालात में अगर आपको कुछ क्वेश्चन अगर आता है कस्टमर से तो फिर आंसर देने में भी आपको दिक्कत होती है. किस तरह की दिक्कत आएगी फिर कि उनके जो ऑब्जर्वेशन है, आप जो भी कुछ दिखा रहे कर रहे या कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसके अंदर उनके कुछ अगर क्वेरीज है कस्टमर के तो उसके रिलेटेड क्वेश्चनिंग आता है, तो आपको वो भी सॉल्व करना आना चाहिए. पहले से ही आप कंफ्यूज हो गए हो, क्या बोलना है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके लॉजिक्स उतने डेवलप नहीं है, तो शायद यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है प्रोस्पेक्ट के माइंड में. So, eagerness to close, fifth one. बहुत जल्दी है मुझे. बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके पास पेशेंस नहीं तो उनको बहुत जल्दी रहती है. जब से कंपनी ने जो बताया था, मैंने इंट्रोडक्शन दी, प्रोडक्ट का डेमो दिखाया वगैरह वगैरह, और लास्ट में डायरेक्टली पूछा कि क्या आप परचेस करोगे, तो ऐसे हालात में क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्सली उनको रेडी कर रहे हैं, कस्टमर के ऊपर फोर्स कर रहे हैं ऐसा लगता है. तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. प्रेजेंटेशन करने के बाद आपको स्लाइटली क्या करना है कि क्वेश्चनिंग करने हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस है उसके बारे में जानकारी लेनी है कस्टमर के, और उसके बाद हमें क्या करना है, क्लोज करना है सेल. या तो फिर हमने अगर जल्दी दिखाई कि बहुत जल्दी जल्दी में उनको बताया कि अभी के अभी बताओ, या आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, आपको लेना पड़ेगा, ये वो है. बहुत बार ऐसा भी होता है, और बहुत अगर जल्दी कर रहे हैं कोई, हम लोग बोल रहे हैं कि वेट करो दो मिनट में हम कॉल करके पूछ लेते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो है उनसे बात करने के बाद में आपको बताती हूँ, आप बोलोगे नहीं नहीं इतना तो टाइम ही नहीं है, आप सोचो और आप ही बोलो, तो ऐसे हालात में फोर्सली होता है वो क्लोजिंग. तो इस तरह से भी ईगरनेस नहीं चाहिए क्लोजिंग के वक्त, तो भी प्रोस्पेक्टस क्या करेगा कि डिसीजन नहीं लेगा और सक्सेसफुली क्लोज नहीं होगा आपका प्रोसेस. ओके, अनटाइमली क्लोज, अभी टाइम कैसे समझ में आएगा कौन से टाइम में करना है, वो भी हमने देखा है ना, अनटाइमली क्लोज नहीं करना है. तो अनटाइमली क्लोज मतलब क्या है, द ईगरनेस टू क्लोज ऑफन लीड्स टू अनटाइमली क्लोज और अर्ली क्लोज. Prospectors may feel that it is wastage of time and the salesperson lacks skill to close on time. He may ultimately abandon the entire sales proposition to discuss. मतलब क्या है कि wrong time पे आपने क्या कर दिया कि customer के mind को ready करने की कोशिश की. यहाँ पे उन्होंने बताया कि it is most likely to unsuccessful. Sometimes untimely close may also mean delayed close. अनटाइमली क्लोज मतलब कभी कभी वो टाइमिंग निकल चुका होता है, आपने सब कुछ दिखाया, इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसी वक्त आपको पूछना चाहिए था, आपने थोड़ा लेट कर दिया. अनटाइम मतलब कभी कभी टाइम हो जाने के बाद आपने बहुत पीरियड बीच में गया, आपने उनको बहुत स्पेस दी, तो भी शायद कस्टमर सक्सेसफुली क्लोज नहीं करेगा ये जो सेलिंग की प्रोसेस है. तो टाइम के हिसाब से आपको कस्टमर को अंडरस्टैंड करना है, कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस को जानना है, उनकी जो भी क्वेरीज है उसे सॉल्व करना है, और इन टाइम क्या करना है, क्लोज करना है सेलिंग की प्रोसेस को. समझ ले इतपर्यंत? ओके, आता अपन थेरीज बघूया की सेलिंगच्या थेरीज काय आहे. खूप सुंदर थेरीज दिलेल्या, त्या तिन्ही थेरीजवर क्वेश्चन्स असतात बऱ्याचदा, म्हणजे पेपरला तुम्हाला सेमिस्टरला येतातच, तर ह्याच्या नोट्स पण प्रॉपर काढा आणि खूप सिम्पल आहे, फार काही अवघड नाहीये. थेरीज ऑफ सेलिंग आर एसेन्शियली बिहेव्हिअरल थेरीज. आता ह्या बिहेव्हिअर रिलेटेड आहेत. थ्री मेजर थेरीज आर जनरली डिस्टिंग्विश.
फर्स्ट वन इज दैट स्टिमुलस रिस्पॉन्स थेरी, सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन थेरी एंड थर्ड वन इज नीड सैटिस्फेक्शन थेरी. तो सो फर्स्ट थेरी वी हैव टू सी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थेरी. अभी ये जो थेरी है, इफ द सेल्स पर्सन यूजेस द राइट स्ट्रेंथ द बायर विल रिस्पॉन्ड द वे द सेल्स पर्सन वांट्स दैट इज बाय द प्रोडक्ट. दैट मीन्स योर सेल्स पर्सन इज द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दैट सेलिंग थेरी. सेल्स पर्सन ला राइट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करणं, यूजेस राइट स्ट्रेंथ म्हणजे काय की कुठल्या वे ने ते जात आहेत, राईट वे यूज जर केला तर बायर काय करेल, रिस्पॉन्ड करेल. आणि तुम्हाला जसे एक्सपेक्टेशन्स आहेत ऍज अ सेल्स पर्सन कस्टमर कडून, तुमच्या ज्या वॉन्ट्स आहेत त्या पद्धतीने बाईंगची प्रोसेस कम्प्लीट होईल. तर सेलिंग करताना आपल्याला स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थेरी मध्ये फोकस करावं लागेल. तुमचा जो सेल्स पर्सन आहे, स्टिम्युली आहे, तर त्याने कुठल्या ऑफर्स, म्हणजे त्याच्यासाठी कुठल्या ऑफर्स ठेवणं गरजेचं आहे की ज्यामुळे तो राईट स्ट्रेंथ पकडेल. सेल्स पर्सन मग पर्सनॅलिटी प्रोजेक्शन, सेल्स पर्सन को क्या करना है, फिजिकल अपीयरेंस उसका कैसा है, मैनरिजम्स यानी मैनर्स कौन से, मतलब कि प्रोफेशनल मैनर्स यहाँ पे यूज कर रहा है कि नहीं, स्किल्स है कि नहीं. तो स्किल्स के बारे में हम तो डीपली देखने वाले आगे का जो भी हमारा पॉइंट है कि कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, ये जो स्किल्स है उसके अंदर, तो उसका प्रोजेक्शन भी करना है सेल्स पर्सन को. मतलब वो राइट ट्रैक पे है तो शायद क्या होगा, कस्टमर बाय करेगा प्रोडक्ट को. प्रोडक्ट कंपेन, अभी टू प्रेजेंट द कंपनीज प्रोडक्ट एज लीडिंग और विद द प्राइस बट नॉट ओवरडूइंग इट. कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है, प्रेजेंटेशन करना है प्रोडक्ट कंपेन के अंदर. तो ये भी एक क्या है, स्किल है जो कि सेल्स पर्सन में होना जरूरी है. हम लोग स्टेज पे आए एक किसी प्रोग्राम में, हम एंकर के रोल में है, हमें क्या करना है, फर्स्टली उस प्रोग्राम के बारे में इंट्रोडक्शन देना है. बहुत नीचे आवाज में हमने बताया कि आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है. तो सामने वाला ऑडियंस सोचेगा यार ये प्रोग्राम को आने के बाद ऐसा तो नहीं लग रहा, इतने पैसे वेस्ट तो नहीं जाएंगे ना. तो कैसे आप लोग वो वीडियोस देखते हो ना इसमें, कि अगर कोई वीडियो आप बना रहे हो तो किस तरह से आपकी एंट्री होती है, उस तरह से आपको क्या करना है, ओवर डूइंग भी नहीं करना है. यहाँ पे ओवर डूइंग मतलब ओवर प्रेजेंटेशन भी नहीं करना है. तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो सके आपका कस्टमर, इस तरह से आपको वो कंपेन कंप्लीट करनी है. कॉम्पिटिटर क्लीन टू ब्यूरी द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट ब्रांड स्किलफुली, यानी कि कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ कंपेरिजन करके आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, हमारा प्रोडक्ट किस तरह से बेस्ट है वो एक्सप्लेन करना है एज अ सेल्स पर्सन. प्राइस कंसेशंस प्रोवाइड करने, यहाँ पे सेल्स पीपल जनरली डू नॉट हैव मच डिस्क्रिशन टू कंसेशंस बट सम लिवरेज इज अवेलेबल विद देम. तो कंसेशंस की वजह से क्या होगा कि सेल्स पीपल अगर कंसेशंस प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे आपका कस्टमर ज्यादा लाइक करता है ऐसे प्रोडक्ट्स को. यहाँ पे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देनी है सिलेक्टेड कस्टमर्स को. प्रेफरेंशियल यानी स्पेशल ट्रीटमेंट टू कस्टमर बाइंग वॉल्यूम्स, मेकिंग टाइमली पेमेंट, शोइंग लॉयल्टी टू कंपनी. तो किस तरह के कस्टमर को हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किस कस्टमर के लिए चाहिए. तो जो भी कस्टमर्स है कि ज्यादा क्वांटिटी में बाइंग वॉल्यूम उनका ज्यादा है, मतलब क्या कि ज्यादा क्वांटिटी में उनकी डिमांड रहती है, वो एट ए टाइम लार्ज स्टॉक को क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, तो उनके लिए अलग कुछ हमारी जो भी कंसेशंस है वो अलग टाइप के रहेंगे. टाइमली पेमेंट करने वालों के लिए कुछ अलग हम कंसेशंस रखेंगे. और जो लोग बहुत लॉयल है आपकी कंपनी के साथ या आपके प्रोडक्ट के साथ, तो शायद उनकी लॉयल्टी की वजह से भी हम उन्हें कुछ अलग तरह की ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो लोग सेटिस्फाइड हो सकते हैं और रेगुलरली हमारा सेलिंग हो सकता है. तो यहाँ पे उन्होंने पूरा फोकस स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में सेल्स पर्सन के ऊपर दिया है. सेल्स पर्सन मेक्स द राइट प्रेजेंटेशन, ही कैन गेट अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्ट. यानी कि पूरा के पूरा जो भी ये है तो फोकस वो सेल्स पर्सन के ऊपर होने की वजह से यहाँ पे उनका प्रेजेंटेशन किस तरह का है,
उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोस्पेक्ट किस तरह से रिस्पॉन्स देगा। उनका पॉजिटिव एटीट्यूड है सेल्स पर्सन का तो शायद पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, अगर उनका रॉन्ग एटीट्यूड रहा तो शायद निगेटिव आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि विदाउट नोइंग द नीड्स ऑफ द प्रोस्पेक्ट ही गिव्स डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड देन आस्क द प्रोस्पेक्ट टू बाय द प्रोडक्ट। ही ट्राइज एन अल्टरनेटिव वे टू सेल इन केस द प्रोस्पेक्ट डज नॉट एग्री टू बाय द प्रोडक्ट। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेल्स पर्सन है वो क्या कर रहे हैं कि एक सीरियल उनको पता है कि मुझे कंपनी को इंट्रोड्यूस करना है, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है, प्रेजेंटेशन करना है, एक्सप्लेन करना है, प्रोडक्ट के डिटेल्स बताने हैं। तो प्रोस्पेक्ट के बारे में तो यहाँ पे किसी ने सोचा ही नहीं कि प्रोस्पेक्ट के एक्सपेक्टेशंस क्या है, यानी कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस क्या है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। उसके भी कुछ क्वेश्चनिंग हो सकते हैं, उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी प्रोस्पेक्ट के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही है, उन्होंने ओनली हमारे सेल्स पर्सन के ऊपर फोकस किया है और उनको उसकी वजह से सक्सेस चाहिए सेलिंग प्रोसेस में। तो ये मेथड उतनी सजेस्टिव नहीं है जितनी की होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे एक पार्ट को पूरा हमने निग्लेक्ट कर दिया, कस्टमर को हमने निग्लेक्ट कर दिया, ओनली सेल्स पर्सन को ध्यान में यहाँ पे रखा है। दिस मेथड इज यूज्ड बाय टेलीमार्केटिंग पीपल, डोर टू डोर सेल्स पर्सन एंड ट्रेनिंग न्यू सेल्स पीपल व्हेन द प्रोडक्ट इज नॉन टेक्निकल एंड द टाइम फॉर प्रेजेंटेशन इज शॉर्ट। हाउएवर गिविंग द सेम प्रेजेंटेशन टू ऑल प्रोस्पेक्ट विल नॉट बी फेवरेबल। म्हणजे ह्या प्रेझेंटेशन साठी तुम्हाला जे प्रॉस्पेक्टर्स आहेत, तुमचे कस्टमर्स आहेत, तर ते सगळेच फेवरेबल असणार नाहीये। त्याचं कारण त्यांनी ड्रॉबॅक मध्ये सांगितलंय बघा की सेल्स पर्सनचं ह्या जे स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थेरी आहे त्याचा मेन ड्रॉबॅक काय आहे, द सेल्स पर्सन डज नॉट फाइंड आउट द नीड्स ऑफ द प्रॉस्पेक्ट बाय आस्किंग हिम क्वेश्चन्स एंड लिसनिंग। वो कस्टमर का कुछ सुनते ही नहीं है, मतलब की क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उसके बारे में भी हम नहीं सोच रहे सेल्स पर्सन, तो फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि कस्टमर की नीड्स क्या है। कस्टमर को सुनना भी एक स्किल है, लिसनिंग स्किल, तो वो आपके सेल्स पर्सन के अंदर नहीं। उन्होंने क्या किया, ओनली खुद के बारे में सोचा, खुद को इंट्रोड्यूस करते गए। अगर मैं आपके सामने हूँ, मैंने आपको कंसिडर ही नहीं किया कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, मैं जो भी पढ़ा रही हूँ तो उसमें आपको भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये अगर मैंने कंसीडर नहीं किया तो वन वे कम्युनिकेशन होगा, तो शायद आपकी नीड कुछ अलग रहेगी और मैं कुछ अलग ही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप शायद मेरे इस कम्युनिकेशन में आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा और उतना अंडरस्टैंडिंग भी आप नहीं कर पाओगे या लिसन नहीं कर पाओगे, आपका इंटरेस्ट भी नहीं बनेगा, तो शायद फाइनल रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे दोनों चीजों को कंसीडर नहीं करने की वजह से ये ड्रॉबैक है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी का, आपको कस्टमर या प्रोस्पेक्टर्स की नीड्स के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। द सेल्स पर्सन प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सच एज फीचर्स बेनिफिट्स व्हिच मे नॉट बी यूजफुल टू द प्रोस्पेक्ट एंड ही मे लूज इंटरेस्ट इन बाइंग द प्रोडक्ट। लूज ही होगा यहाँ पे उनका जो इंटरेस्ट है, कस्टमर को उसकी जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन आप जो भी दे रहे हो, उसकी फीचर्स के बारे में बोल रहे हो, बेनिफिट्स के बारे में बोल रहे हो, तो अगर वो प्रॉस्पेक्ट के लिए यूजफुल नहीं है वो इंफॉर्मेशन, तो उसका जो भी इंटरेस्ट है वो बाइंग प्रोसेस में रहेगा ही नहीं, तो उसको जरूरत क्या है कि अगर इस प्रोडक्ट के फीचर्स ये हमने एडवर्टाइज में भी देखा हुआ है तो यूनिक क्या है उसमें। डिफरेंशिएशन करना यानी कि कुछ अलग दिखाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। या वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी नीड पहले क्या है। मैं अगर आपको कुछ इसका कोलगेट का प्रोडक्ट दिखा रही हूँ, उसके बारे में उसके फीचर्स वगैरह वगैरह एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन पहले से मेरे पास कुछ और ब्रांड का कोलगेट या टूथपेस्ट है जिसके ऊपर मेरी लॉयल्टी है और मुझे वो बिल्कुल चेंज नहीं करना है, तो ऐसे हालात में मेरा इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं ना। तो मैं क्या करूंगी कि उसमें यूनिकनेस क्या है, ये मेरा क्वेश्चन रहेगा। अगर मेरे पास जो भी ब्रांड है, मैं जो कंजप्शन करती हूँ यानी यूज करती हूँ, तो उसमें जो नहीं है, अगर ये फीचर इसमें रहा तो शायद मैं क्या करूंगी, बाइंग करूंगी। तो ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में क्या किया है, निग्लेक्ट किया है कस्टमर की नीड्स को या उनको लिसन नहीं कर पा रहे आपके सेल्स पर्सन। तो ये रही स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी।
सेकेंड थिंग आपकी सेलिंग की जो थ्योरी है प्रोडक्ट ओरिएंटेशन थ्योरी, तो एक हर एक इसका थ्योरी का एक अलग ही अंदाज है, अलग ही उसमें जो भी फोकस किया हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट पे फोकस किया हुआ है। जैसे कि उन्होंने बताया कि थ्योरी अज्यूम्स दैट द बायर इज नॉट अवेयर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स एंड इट इज फॉर द सेल्स पर्सन टू मेक द बायर अवेयर। मतलब कि जो आपका बायर है वो बिल्कुल अवेयर नहीं है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो भी हो रही है, नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, उसको इसके बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सेल्स पर्सन क्या करेंगे कि उनको अवेयरनेस देने का काम करेंगे प्रोडक्ट ओरिएंटेशन थ्योरी के थ्रू। तो यहाँ पे ही और शी विल बी एबल टू इंड्यूस द बायर टू बाय और यूज हिज और हर प्रोडक्ट एंड अनलाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी वी शुड बी जनरली अग्रेसिव इन स्टाइल। इथे काय आहे की सेल्स पर्सनच्या फक्त स्टाईल्स त्यांनी स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थेअरी मध्ये सांगितल्या, पण ऍक्च्युअली प्रोडक्ट ओरिएंटेशन थेअरी मध्ये सेल्स पर्सनचा रोल काय आहे की त्यांनी त्या न्यू टेक्नॉलॉजी बद्दल अवेअरनेस आणणं गरजेचं आहे कस्टमरच्या माइंड मध्ये आणि त्यांना बाईंगच्या प्रोसेस साठी रेडी करणं गरजेचं आहे। नेक्स्ट, the limitations of the product orientation theory become apparent as the market become complex, competition intensifies and customer awareness increases about direct and indirect substitutes। आता इथे product orientation theory काय करते म्हणजे तिचं limitation काय आहे की काही complexions आहेत market related, जसं की competition समजणं हे खूप गरजेचं आहे, किस तरह की competition है market में, कस्टमर किस तरह से कस्टमर को मुझे किस तरह से अवेयरनेस देना है और उसका उसके जो सब्स्टिट्यूट्स है उसका भी इम्पैक्ट कस्टमर के माइंड के ऊपर रहता है। जैसे कॉम्पिटिटर के पास कोई दूसरा प्रोडक्ट है जो कि आपके कंपैरिजन के हिसाब से बेटर है तो शायद क्या करेंगे वो लोग, वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे कॉम्पिटिटर का। तो यहाँ पे मुझे ओनली इंट्रोडक्शन नहीं देनी है कि न्यू टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के बारे में टेक्नोलॉजी के नॉलेज नहीं प्रोवाइड करना है, तो कुछ और भी चीजें हैं जो कि यहाँ पे निग्लेक्ट की गई है। मतलब कि कॉम्प्लेक्शंस जो है, मार्केट कॉम्प्लेक्शंस जो है उसको यहाँ पे उन्होंने निग्लेक्ट कर दिया। बिकॉज द सेल्स पर्सन इज ऑलवेज एबल टू रिलेट द प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू द बायर्स complete knowledge or understanding, he or she is often confronted with the product or objections or buyers with no brand loyalty। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि only new product के बारे में information provide नहीं करनी है as a sales person, तो आपको ये भी ध्यान में लेना है कि उस buyers के भी कुछ objections रहेंगे। बहुत बार हम technology पे trust नहीं करते, technological products नए products जो है तो उनको हम जट से एक्सेप्ट नहीं करते, अडॉप्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी लॉयल्टी नहीं है उस ब्रांड के रिलेटेड। क्यों नहीं है? क्योंकि हम सेफ्टी महसूस नहीं कर पाते, वो सेफ है हमारे लिए ऐसा हमें नहीं लगता है। तो इसका भी नॉलेज देना बहुत जरूरी है एज अ सेल्स पर्सन। आपको अवेयरनेस देना है, ये बहुत बढ़िया है, आपका एक घंटे का काम एक मिनट में हो जाएगा अगर आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी ये अगर आप बता रहे हो तो उसके बाद आपको ये भी बताना जरूरी है कि ये सेफ कितना है, इसकी सेफ्टी कैसी है, क्योंकि ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स तो बायर्स के माइंड में रहते ही है। ओके, द प्रोडक्शन ओरिएंटेशन सेंटर्स मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन अराउंड मास प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, continuous cost reduction and product innovation forming the basis of marketing strategy। ये product orientation theory क्या करती है? इसके जो भी sectors है, यानी इसका जो भी management है, management का काम क्या है? Mass production करना। ये product के ऊपर क्या कर रहा है? Focus कर रहा है और continuously cost reduction कर रहा है, product innovation कर रहा है। जैसे कि उन्होंने बेस बताया marketing strategy के हिसाब से, वो customer को कुछ नया देने की कोशिश कर रहा है, ओनली अपने प्रोडक्ट के ऊपर क्या है कॉन्सेंट्रेट है। तो ये जो अप्रोच है इट इज वेरी इफेक्टिव हियर, डिमांड फॉर एक्सेस सप्लाई। जे डिमांड खूप जास्त आहे त्यावेळी तुम्हाला अशा पद्धतीची मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी ठीक आहे, बट द टेक्निक्स एम्प्लॉइड इजिली डुप्लिकेटेड बाय कॉम्पिटिटर्स। कधी कधी कॉम्पिटिटर्स तुमच्या ह्या स्ट्रॅटेजीज काय करतात, त्याचं कॉपी करू शकतात आणि त्यामुळे तुम्हाला इथे प्रॉब्लेम्स मार्केटमध्ये फेस करावे लागतात।
लक्ष देता है म्हणजे तुम्हाला मार्केटिंग स्ट्रॅटेजीनुसार काय करताय तुम्ही फक्त प्रोडक्टवर फोकस केल्यामुळे बाकीच्या गोष्टी निग्लेक्ट होतात आणि त्यामुळे कॉम्पिटिशन मध्ये टिकणं तुम्हाला कधी कधी अवघड होऊन जातं. समजला? म्हणजे स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थेअरी आणि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन थेअरी यामधला डिफरन्स तरी समजलाच असेल तुम्हाला. नीड सॅटिस्फॅक्शन थेअरी काय सांगते? व्हॉट इज मीन बाय नीड सॅटिस्फॅक्शन थेअरी? अकॉर्डिंग टू दिस थेअरी द सेलिंग प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड लीड टू म्युच्युअल सॅटिस्फॅक्शन. दॅट मीन्स हियर बायर अँड सेलर बोथ आर सॅटिस्फाईड. म्हणजे काय की इथे ही जी नीड सॅटिस्फॅक्शन थेअरी आहे यामध्ये फक्त आणि फक्त बायरचं सॅटिस्फॅक्शन करायचं नाहीये, सेलर आणि बायर दोघही सॅटिस्फाईड असले पाहिजे. इन अदर वर्ड्स द थेअरी अनलाइक द अदर टू पार्टी थेअरीज इज बेस्ड ऑन अ विन अझम्पशन्स. म्हणजे ही विन विन अप्रोच यामध्ये यूज केलेला आहे. प्रेझेंटेशन अँड एक्सप्लेनेशन स्किल्स आर विजिबल ऍट दिस स्टेज ऑफ सेलिंग. म्हणजे काय की तुम्ही जे काही कराल प्रेझेंटेशन किंवा एक्सप्लेनेशन, म्हणजे तुम्ही मार्केटिंग ऍक्टिव्हिटीज ज्या काही सेलिंगच्या ऍक्टिव्हिटीज ज्या काही करणार आहात इथे, त्यामध्ये प्रेझेंटेशन असेल अदरवाइज एक्सप्लेनेशन स्किल असेल, ते विजिबल असणार आहे. विजिबल म्हणजे काय की फेस टू फेस इथे तुमचं कम्युनिकेशन होईल. इज दॅट क्लिअर? दिस मेथड इज चॅलेंजिंग अँड क्रिएटिव्ह फॉर्म ऑफ सेलिंग. क्रिएटिव्ह का आहे? कारण सगळ्या गोष्टी तुमच्या विजिबल आहेत. इथे तुम्हाला जेव्हा सगळ्या गोष्टी विजिबल असतील, तुमच्या समोर समोर दिसणार असतील, तेव्हा तुम्हाला इथे क्रिएटिव्ह काहीतरी दाखवावं लागेल. सो इट इज द क्रिएटिव्ह फॉर्म ऑफ सेलिंग. क्रिएशन, क्रिएटिव्हिटी म्हणजे काय हे तुम्हाला माहिती, कारण आपल्या ह्यावर बऱ्याच वेळेस क्लासमध्ये डिस्कशन झालेलं आहे. तुमच्या ज्या क्रिएटिव्ह आयडियाज आहेत जे आतापर्यंत कोणीच दाखवलेलं नाही, असं मी जेव्हा वेगळं काहीतरी देण्याचा प्रयत्न करेन तेव्हा माझ्या बाहेरचा इंटरेस्ट ऑटोमॅटिक तयार होईल. इट इज अन इंटरॅक्टिव्ह सेल्स प्रेझेंटेशन इन विच द सेल्स पर्सन स्टार्ट्स विथ अंडरस्टँडिंग द बायर नीड बाय आस्किंग सिच्युएशनल प्रॉब्लेम आयडेंटिफिकेशन, प्रॉब्लेम इम्पॅक्ट, सोल्युशन अँड कन्फर्मेशन क्वेश्चन्स. म्हणजे इथे काय केलं जाईल की इंटरॅक्शन ह्या दोघांमध्ये असेल, बायर आणि सेलर, नीड सॅटिस्फॅक्शन थेअरीमध्ये त्यामध्ये जी काही नीड आहे त्याच्याशी रिलेटेड काही क्वेश्चनिंग असतील, म्हणजे एक्झॅक्टली प्रॉब्लेम काय आहे तो आयडेंटिफाय करता आला पाहिजे. मेरा जो भी कस्टमर है, मेरा जो भी बायर है, तो उसकी प्रॉब्लम्स क्या है, एज पर सिचुएशन में क्या करूंगी कि वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है. जब मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ तो एज अ सेल्स पर्सन मेरा ये रोल है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नीड फाइंड आउट करना एज पर सिचुएशन, प्रॉब्लम का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, उसके ऊपर सोल्यूशंस क्या है और कन्फर्मेशन मुझे लेनी है क्वेश्चंस रिलेटेड. उसके बाद मुझे अंडरस्टैंड हो सकती है नीड्स और उनके प्रॉब्लम्स. तो फिर मुझे सैटिस्फाई किस तरह से करना है वो भी हम देखते. द सेल्स पर्सन गिव्स अ रिटन प्रपोजल टू शो हाउ अ प्रोडक्ट और सर्विस कैन सॉल्व बायर्स प्रॉब्लम एंड बेटर दैन अ कॉम्पिटिटर. दिस इज डन इन द फॉलोइंग वेज. अभी ये नीड सैटिस्फेक्शन थेरी तो बहुत बढ़िया है. जो भी हमने पहले दो थेरी स्टडी किए उसके अलावा इसमें क्या है कि रिटर्न प्रपोजल है, इसमें प्रूफ है आपके हाथ में. कंपनी या सेल्स पीपल, सेल्स पीपल कंपनी के थ्रू क्या करने वाले कि रिटर्न प्रपोजल्स दिखा देने वाले, शो करने वाले उसका कि आपकी जो सर्विस है, आपके जो प्रोडक्ट्स है वो बायर के लिए कितने बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू आवर यूर कॉम्पिटिटर्स. और ये हम सब प्रपोजल किस तरह से शो करेंगे, रिटर्न प्रपोजल, तो हम उसमें जो भी कैरेक्टरिस्टिक है प्रोडक्ट के या सर्विस के अंदर, तो उसके फीचर्स दिखाएंगे. जैसे कि एडवांटेज हम लोग बोलते हैं ना, सेल्स पर्सन डिस्क्राइब्स हाउ द फीचर्स कैन हेल्प और गिव एडवांटेज टू द प्रोस्पेक्ट. सेकेंड वन बेनिफिट, सेल्समैन डिस्क्राइब हाउ द फीचर और एडवांटेज मेक द डिटेल्स क्लियर दैट द एक्सप्रेस बाय द प्रोस्पेक्ट. जो भी कुछ हमने फीचर्स सीखा है, जो भी प्रेजेंटेशन के दौरान हमने एक्सप्लेन किया, कम्युनिकेट किया, हमारा इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद हमें क्या बताना है कि उसके एडवांटेज बताने हैं कि प्रोस्पेक्ट के लिए इसका क्या मेन एडवांटेज है. प्रोस्पेक्टस यानी कौन? आपका कस्टमर. उसके बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से ये आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा,
This method is mostly accepted by the prospects as it focuses on customers, unlike stimulus response therapy. स्टिमुलस रिस्पांस थेरेपी क्या किया उन्होंने, ओनली सेल्स पीपल्स पे फोकस किया, उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस करना है खुद को, खुद की कंपनी को. लेकिन ये नीड सेटिस्फेक्शन थ्योरी क्या कर रही है कि प्रोस्पेक्टस के बारे में, उनकी नीड्स के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो भी प्रपोजल है, रिटर्न प्रपोजल, उसके अंदर हमें क्या करना है कि कस्टमर की लॉयल्टी लेनी है, यानी कि कस्टमर को ट्रस्ट करना जरूरी है आपके प्रोडक्ट के ऊपर. तो इसके लिए हमने कुछ फीचर्स दिखाए उस प्रोडक्ट के रिलेटेड, एडवांटेज बताया, बेनिफिट्स बताए, और फिर हमने क्या कर दिया, उस प्रोडक्ट को सेल कर दिया. दैट मीन्स यहाँ पे हमने बायर और सेलर दोनों को फुलफिल करने की कोशिश की है, सेटिस्फाई करने की कोशिश की है. ओके, now see the selling skills. First one is the communication skill. कोई भी चीज मुझे सेल करनी है, अभी मेरे पास जो भी है, मैं जिस कंपनी के थ्रू मार्केट में सेलिंग करती हूँ, तो मेरे पास वो स्किल होना बहुत जरूरी है, वो एबिलिटी कम्युनिकेशन की होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इन एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस. कौन सा भी बिजनेस क्यों ना हो, तो उसमें कम्युनिकेशन तो होना ही है. सेलिंग के दौरान, यानी उन्होंने बताया, इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल सेल्स, द सेल्स पीपल शुड कम्युनिकेट ऑन रेगुलर बेसिस विद द कस्टमर्स, इंटरमीडियरीज आल्सो. ओनली कस्टमर्स के साथ ही सेल्स पीपल को कम्युनिकेट नहीं करना है, तो उनको अपने इंटरमीडियरीज जो है, जिनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग करते हैं, तो जैसे रिटेलर्स है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कस्टमर्स है, तो इन सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो मेरे पास वो स्किल होना, वो एबिलिटी होना बहुत जरूरी है एज अ सेल्स पर्सन. कम्युनिकेशन विद द कस्टमर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. कस्टमर सोबत जे कम्युनिकेशन आहे ते इम्पॉर्टंट का आहे, कारण तो फायनल कस्टमर आहे, बाय करणारा जो असणार आहे, कारण माझं जे काही प्रोडक्ट आहे ते फायनल कस्टमर पर्यंत जर मला पाठवायचं असेल, सेलिंग करायचं असेल, तर माझं कम्युनिकेशन तेवढं इफेक्टिव्ह असणं खूप गरजेचं आहे. तर मग ती कम्युनिकेशनची प्रोसेस कशी असेल, तुम्ही कम्युनिकेशन करायचं म्हणजे तुम्ही कंटिन्युअसली काहीतरी बोलत राहणं एवढं, यालाच आपण कम्युनिकेशन म्हणतो का? नाही. त्यामध्ये काय नॉलेज तुम्ही प्रोव्हाइड करणार आहात, तुमच्या कम्युनिकेशनचा इफेक्ट कसा होतो, त्याचा इम्पॅक्ट काय होतो कस्टमरवर, कस्टमर कशा पद्धतीने अंडरस्टँड करतो तुम्हाला, किंवा तुम्ही जी काही इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली त्याबद्दल त्याचं अंडरस्टँडिंग कितपत होणार आहे. बहुत बार हम बहुत कुछ बोल लेते, फाइनली वो सामने वाला पर्सन बोलता है कि आखिरकार आपको क्या बोलना था, इसका मतलब जो भी कम्युनिकेशन आपने किया सही से नहीं हुआ है, आपके पास वो स्किल नहीं है, जो चीज आपको बतानी थी, जो ऑब्जेक्ट आपको अचीव करने थे, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है. तो इसका मीनिंग है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने की जरूरत है. Is that clear? So let's see communication process. Communication process को start करते वक्त हमें technical language भी use करनी पड़ती है. बहुत बार हम कुछ technical चीजें भी communicate कर लेते, तो उस technical language के बारे में हमें जानकारी होना भी बहुत जरूरी है. उसमें उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन प्रोसेस बिगिंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग सेल्स, यानी कि आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है उससे वो स्टार्ट करना है. जैसे कि हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि सामने वाले से बात करनी, फर्स्ट टाइम हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करूं, ये हमारा पहला क्वेश्चन मार्क रहता है. कि किसी के घर भी गए ना, तो भी हमें बहुत बार समझ में नहीं आता है कि कहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट करें. तो इन्होंने सेलिंग के प्रोसेस में बताया कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करते वक्त आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपको अचीव करना है सेल्स ऑब्जेक्टिव, तो उसके बारे में आपको बात करना बहुत जरूरी है. ना कि हमें ये पूछना है कि आज का एनवायरमेंट कैसा रहा, आज आपका हालचाल कैसा था, क्या खाया आपने खाने में, इसमें बहुत हमारा इंटरेस्ट रहता है. आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की है उसके ऊपर डिपेंड करता है. हम एज अ सेल्स पर्सन अगर जॉब पे जा रहे हैं तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमारा रोल क्या है, हमारा कम्युनिकेशन किस तरह का होना है. अगर आप फ्रेंड से मिल रहे हैं तो ऐसी बातें तो जनरल कॉमन है या नॉर्मल है,
लेकिन आपको कस्टमर के साथ जब भी बात करनी है तो ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना, वहां से स्टार्ट करना प्रोसेस कम्युनिकेशन की बहुत जरूरी है। सो कम्युनिकेशन की चेकलिस्ट उन्होंने बताई है कि आप खुद के लिए कुछ क्वेश्चनरी बनाओ जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि मेरा कम्युनिकेशन जो है वो राइट ट्रैक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप सेल्स पर्सन हो ना, तो किसी और को पूछने की बजाय हम लोग खुद के लिए एक क्वेश्चनरी बना लेते हैं कि जिसके आंसर मिलने के बाद हमें पता चलेगा कि शायद मैं राइट ट्रैक पे हूँ। ओके ना, सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, डू आई एग्री और डिसएग्री विथ व्हाट अदर्स से। एग्री होना या ना होना, विथ व्हाट अदर्स से मींस हु इज अदर्स, कस्टमर इज द अदर्स, यानी कि अनदर पर्सन जिनके साथ हम कम्युनिकेट करने वाले हैं। तो मैं बहुत बार एग्री होता हूँ या नहीं होता हूँ, डू आई एग्री और डिसएग्री विथ व्हाट अदर्स से, जो भी कस्टमर बोलेगा उसके साथ मैं एग्री हूँ या डिसएग्री हूँ, इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन आता है, इज एनी ऑफ माय बिहेवियर विल अनॉय पीपल। मतलब यहाँ पे आपका कोई भी बिहेवियर ऐसा है कि जिसकी वजह से कस्टमर को दिक्कत है, त्रास होतो कस्टमर ला कधी कधी, बघा काही लोकांचा आवाज, काही लोकांची जी बोलण्याची पद्धत असते, तर एक दोन सेंटेन्स ऐकल्यानंतरच असं वाटतं की बस पुरे, पुढे नको आता। मग हे असं कशामुळे होत असेल, काय रिझन असेल? तुमच्या बिहेवियरचा पीपल्सला त्रास होणं म्हणजे नक्की काय आहे? बोलताना तुम्ही खूप हलताय, मागे पुढे होताय, काहीतरी ऍक्शन अशा आहेत की ज्या इरिटेट करतात समोरच्या पर्सनला, त्यामुळे कम्युनिकेशन तुमचं नक्की काय होतंय याच्याकडे त्या समोरच्या पर्सनचं लक्षच राहणार नाही। मतलब ये अनॉय जो हो रहा है आपकी बिहेवियर की वजह से, तो आपके बिहेवियर के अंदर ऐसा क्या है, कौन सी चीजें आपके गेस्टर्स पोस्टर्स या कम्युनिकेशन में, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वर्ड्स यूज कर रहे हो, जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हो इंट्रोडक्शन के वक्त या प्रेजेंटेशन के वक्त, तो उसमें ऐसी कौन सा प्रॉब्लम है जो निगेटिव एटीट्यूड है या निगेटिव बिहेवियर है जिसकी वजह से पीपल्स को क्या है तकलीफ है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा। डू आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं कन्वर्सेशन के दौरान, जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ ना, स्टार्ट करते वक्त बहुत बार लोग हेलो 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 करते जाते हैं। अरे आगे का बोल, ऐसा ऑडियंस भी कभी कभी पीछे से बोलता है। तो स्टार्ट कन्वर्सेशन स्टार्ट करते वक्त ही प्रॉब्लम रहती है, बाकी एक बार गाड़ी स्टार्ट हो गई तो उसके बीच कोई नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते वक्त अगर आपको दिक्कत है तो शायद सामने वाला जो है फर्स्ट इंप्रेशन हमारा बेकार रहा, तो भी कस्टमर मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है आपके बारे में। एम आई कॉन्शियस अबाउट द लैंग्वेज? मैं लैंग्वेज के बारे में कॉन्शियस हूँ, मैं कुछ भी बोलती हूँ, कुछ भी वर्ड्स, अभी मैं हिंदी बोल रही हूँ तो हिंदी में तो इतना अगर नॉलेज नहीं तो थोड़ा कम यूज करो, जितना आपको समझने की जरूरत है या समझाने की जरूरत है उतना ही मैं यूज करूंगी। अगर मैं उससे भी ज्यादा कुछ हाई वर्ड्स जो भी जो मुझे इतने ज्यादा पता नहीं है तो मैं यूज ही नहीं करूंगी ना। कॉन्शियसनेस असणं म्हणजे काय, की काही शब्दांचे अर्थ हे दोन निघतात, मराठी भाषा तर तशीच आहे, त्या टोन वरून सुद्धा तुम्हाला त्याचं जे काही हे आहे मीनिंग आहे ते बदलत। बघा समजतंय का असं मी विचारणार, समजत नाही का असं विचारणार, काय फरक वाटतो की लँग्वेज वर मी किती कॉन्शियस आहे। मला काय करायचंय की माझ्या समोर जो पीपल्स आहे, जे कस्टमर्स आहे, त्यांचं कॉन्सन्ट्रेशन, त्यांना अवेअरनेस देण्याचं काम करायचंय, तर अशा वेळी माझी लँग्वेज कशी असली पाहिजे? खूप हार्ड लँग्वेज असेल, फार अडकत अडकत बोलत असाल, मध्ये ब्रेक 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 येत असतील, लवकर पुढचा वर्ड सुचत नसेल, तरी सुद्धा तुमच्याकडे नॉलेज नाही असा समोरचा माणूस लगेच झटकन ओळखतो। म्हणून इथे कॉन्शियसनेस बघायचं, म्हणजे कम्युनिकेशन प्रॉपर होतंय का, कारण लँग्वेज शिवाय तर कम्युनिकेशन होणार नाही, कुठली तरी एक लँग्वेज परफेक्ट येणं फार गरजेचं आहे कम्युनिकेशन करताना। तुम्ही म्हणाल कुठली मॅडम, मग कुठलीही चालेल, पण ती समोरच्याला अवगत असली पाहिजे, त्याला समजली पाहिजे एवढं, तरच कम्युनिकेशन होणार आहे। वन वे कम्युनिकेशन नाही करायचंय आपल्याला,
आपल्याला यातून आउटकम्स मिळणं गरजेचं आहे. आपल्याला सेलिंगच्या प्रोसेस बघतोय आणि सेलिंगच्या प्रोसेस मध्ये स्किल्स बघतोय आपण की कुठले स्किल्स आपल्यामध्ये असले पाहिजे सेल करताना. सो डू आय रिस्पेक्ट अदर पीपल्स टाइम अँड इंटरेस्ट. कस्टमर को मुझे सेल करना है, कस्टमर के बारे में सोचना है, उसका उसके इंटरेस्ट के बारे में सोचना है. उसका इंटरेस्ट क्या है कि मैं अगर संडे को फ्री रहती हूँ. पीपल्स टाइम एंड इंटरेस्ट मतलब क्या है कि कोई भी चीज अगर मुझे देखनी है, उसके बारे में सुनना है, नॉलेज लेना है, तो मेरे पास वीक में एक ही दिन रहता है जब मुझे हॉलीडे रहता है. संडे को मैं फ्री रहती हूँ. अगर संडे को कोई सेल्स पीपल भी आता है तो शायद पॉसिबल है कि मैं उसको 10-5 मिनट दे सकती हूँ, उसका कम्युनिकेशन सुन सकती हूँ. लेकिन आप कैसे हो सेल्स पर्सन कि आप सामने वाले का इंटरेस्ट भी नहीं देख रहे कि उसका मूड नहीं अभी सुनने का. वो बोल रहा है कि कल आ जाओ भैया, तो हम बोलते नहीं नहीं अभी थोड़ा 5 मिनट तो सुन लो, 10 मिनट तो सुन लो. आपने उसके इंटरेस्ट के बारे में तो सोचा ही नहीं. उसका टाइम भी अभी वो ऑफिस के लिए जा रहा है, तो आपको ये भी देखना जरूरी कि उसका टाइम जो प्रायोरिटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसे काम पे जाना है, तो उसका भी ख्याल आपको रखना है. रिस्पेक्ट करना है कस्टमर के टाइम और इंटरेस्ट को, तो उसके बाद शायद वो क्या कर सकता है, आपकी बात सुन सकता है या आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव दे सकता है. इज दैट क्लियर? तो कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, अदरवाइज आपको रिस्पॉन्स भी नहीं मिलेगा और कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं होगा. लिसनिंग स्किल भी होना बहुत जरूरी है. अभी जैसे आप लोग मुझे सुन रहे हैं, गुड लिसनिंग स्किल ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक पार्ट है. कम्युनिकेशन तभी होता है जब सामने वाला क्या कर रहा है, आपको लिसन कर रहा है. अभी आप सुन रहे हो ऐसा मैंने तो इमेजिन कर लिया है, तो इसकी वजह से हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर हो रहा है कि मैडम क्या बता रहे हैं कि सेलिंग करना है तो सेलिंग के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा. पेशेंस बहुत रखने पड़ेंगे. अभी मैडम थोड़ा ज्यादा ही लेते तो आपके पेशेंस है, इसके लिए आप लोग हर रोज मेरा लेक्चर थोड़ा ज्यादा ही सुनते हो. पेशेंस है आपके अंदर, ओके ना. आप गुड स्टूडेंट्स हो, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स है, तो मार्केटिंग के बारे में जानना उनको अच्छा लगता है, तो इसके लिए मैं भी थोड़ा ज्यादा लेती हूँ. आपके जो स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट है उसके ऊपर मुझे फोकस करने में मुझे भी मजा आता है, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें है, इसके लिए हम लोग थोड़ा टाइम ज्यादा देते हैं. आपके पेशेंस को देखने के बाद में कम्युनिकेशन थोड़ा ज्यादा कर लेती हूँ. वैसे ही यहाँ पे लिसनिंग स्किल में आपको पेशेंस रखने की बहुत जरूरी है. और उन्होंने बताया इट इज फाउंड दैट पीपल ऑफन मिक्स सीक्वेंस एंड कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, वेयर केयर नीड्स टू बी टेकन, लिसनिंग प्रोसेस टू बी फॉलोड एज अंडर. तो लिसनिंग करना ये अगर एक स्किल है, पेशेंस रखना भी उसमें उसके अंदर आता है. तो उन्होंने बताया कि ये जो लिसनिंग की भी प्रोसेस है उसके लिए भी उन्होंने कुछ स्टेप्स दिए प्रोसेस के अंदर. फर्स्ट है अटेंशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन विच द कस्टमर इनिशिएट्स टू रिएक्ट टू सेल्स पर्सन टॉक आफ्टर ऑफर प्रेजेंटेशन एक्सेट्रा एंड द सेल्स पर्सन मेक्स अ नोट ऑफ इट और पेज अटेंशन इट. इस चीज पे ध्यान देना है कि कस्टमर को अवेयरनेस आने के लिए उनका अटेंशन लाना बहुत जरूरी है. अटेंशन आया ऐसा हम कब समझते हैं, मैंने जितना भी बताया आपको उसके बाद मैंने कुछ ऑफर्स दिए आपको, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दी, प्रेजेंटेशन दिखा, तो आपने वो क्या किया कि मुझे उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्वेरीज पूछे, आपके प्रॉब्लम्स पूछे, तो शायद आपका अटेंशन था, इसकी वजह से आपको कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आए, ओके ना. अगर आपका अटेंशन नहीं रहता है, मैंने अभी इतना पढ़ाया आपको सेलिंग स्किल्स वगैरह, आपको जितना भी पढ़ाया उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा, तो बहुत बार लोग इधर उधर देखते हैं, क्यों, क्योंकि आपने सुना ही नहीं, लिसनिंग स्किल आपके अंदर नहीं है, तो आपका अटेंशन नहीं रहेगा. अटेंशन नहीं रहेगा तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्वेश्चन के आंसर भी नहीं आएंगे. उसके बाद आपका लिसनिंग स्किल में प्रोसेस में आता है इंटरप्रिटेशन करना. तो इंटरप्रिटेशन करना मतलब उसका मीनिंग अंडरस्टैंड करना, मतलब इट इन्वॉल्व्स असाइनिंग द मीनिंग टू व्हाट द कस्टमर सेड, इट ट्राइज अंडरस्टैंड व्हाट इज टोल्ड बाय द कस्टमर. कस्टमर जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे ना अटेंशन आने के बाद, उसके बाद मुझे क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, ओके. उसके बाद उन्होंने बताया कि कॉम्पिटेंस लेवल ऑफ द सेलर, सी नेक्स्ट पेज, नॉट कॉम्पिटेंस, रिमेम्बरेंस.
इट मीन स्टोरिंग द मैसेज और कंटेंट्स फॉर द फॉलो यूज और रेफरेंस बाय बोथ द सेल्स पर्सन एंड द कस्टमर. जितने सारे क्वेश्चंस उसके आंसर्स वो आपने नोट डाउन किए, जो मैसेज आया वो स्टोर कर लिया, मतलब फॉलोअप के लिए आपने स्टोर किया कि कस्टमर ने कौन से क्वेश्चंस पूछे. उसके बाद मैंने इवैल्यूएशन किया. इन दिस सेल्स पर्सन इवैल्यूएट्स द ओवरऑल परसेप्शन ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर को जो भी बात समझ में आई है, परसेप्शंस उसके जो भी बने हैं, तो उसे मैंने क्या कर दिया कि इवैल्यूएशन उसका कर लिया. क्वेरीज, ओपिनियंस, इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट कौन सी चीज में ज्यादा था, बढ़िया फीचर्स में था, प्राइस में था, वो प्राइस कॉन्शियस है या कुछ और है, तो उसके रिलेटेड मैंने उसका इंटरेस्ट भी क्या कर दिया, इवैल्यूएशन कर लिया कि ज्यादातर इंटरेस्ट कौन सी चीज में है, क्वेरी कौन सी आई थी, उसे सॉल्व भी करना है. रिस्पॉन्स आफ्टर लिसनिंग टू द कस्टमर्स द सेल्स पर्सन रिस्पॉन्ड एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन मेकिंग एन ऑफर और एक्सेप्टिंग द accepting the company's price, conveying the date and the plan for detail sales. So response किस तरह से होना चाहिए sales person का? अगर customer ने आपका listen किया, आपकी process complete हो रही है, तो उसके बाद sales person किस तरह से response देगा कि उसे express करना है. Express करना है क्या? कि उसके views, यानी कि selling के related views. आपको कुछ opinions देने customer को, कुछ offers provide करने. वो कंपनी के प्राइस रिलेटेड हो सकते हैं या डेट्स, जो भी ऑफर है उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है ना कि ये ऑफर एक मंथ के लिए, वीक के लिए, तो इस तरह का आपको कन्वे करना है डेट के बारे में और पूरा प्लान बताना है सेलिंग किस तरह से किया जाएगा. आज अगर आपने ऑर्डर किया तो कितने दिन के अंदर डिलीवरी की जाएगी, तो इस तरह से हमें वो सेलिंग के जो स्किल्स है वो डेवलप करने. लिसनिंग स्किल हमने अभी देखा, उसके बाद उन्होंने टाइप्स ऑफ लिसनिंग बताया. कंटेंट लिसनिंग, अभी कंटेंट लिसनिंग में क्या है, देखो दिस इज द मोस्ट पैसिव विदाउट एनी रिएक्शन और फीडबैक. द सेल्स पर्सन मेक्स अ कम्युनिकेशन टू द पोटेंशियल कस्टमर. द लिसनर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन कन्वेड टू हिम एंड मेक्स अ नोट ऑफ द कंटेंट. अभी पैसिव रिएक्शंस और फीडबैक जो है, सेल्स पर्सन को क्या करना है कि इस तरह का फीडबैक लेना है कि लिसनर ने जो भी रिसीव किया, इंफॉर्मेशन कन्वे की, तो उसके कंटेंट्स लिख कर रखने की. मैंने आज कौन से पॉइंट्स लिए एसडीएम के अंदर, आज जितना भी मैंने आपको पढ़ा, तो वो मेरा फीडबैक है. मेरे पास उसका फीडबैक है कि मैंने इतने सारे कंटेंट्स लिए, उसका नोट डाउन है या उसका रिकॉर्डिंग है. ही डज नॉट रिएक्ट इमीडिएटली एज ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द मैसेज. Example, listening to salesman who comes at the door for selling a vacuum cleaner. Content listening मतलब क्या है, देखो. Note down तो हुआ यहाँ पे, लेकिन मेरा interest कुछ भी नहीं है. Listening to salesman who comes at the door for selling a vacuum cleaner. ये vacuum cleaner के बारे में उसने जितनी भी contents बताई या short notes बताए, वो मैंने listen किया, note down किया, लेकिन मैंने कुछ भी रिस्पॉन्स, इंटरेस्ट मेरा उस मैसेज में था नहीं. एम्पैथेटिक लिसनिंग में क्या किया जाता है, लिसनर मे और मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन द कंटेंट बट शोज द सेल्स पर्सन दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड. एज अ रिजल्ट द सेल्स पर्सन डज नॉट प्रोसीड विद द प्रोसेस फर्दर. एम्पैथेटिक में क्या किया जाता है कि आप रिपीट मत करो, जो भी सुना है उसके अंदर, कंटेंट के अंदर हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा वो लोग कस्टमर्स बताते. और ये जो प्रोसेस आपने किए वो रिपीट अगेन करने की जरूरत नहीं है. एम्पैथेटिक लिसनिंग, कंटेंट लिसनिंग में ओनली आप ऐसे करते हो. हाँ समझ में आया, हाँ समझ में आ रहा है. वैक्यूम क्लीनर किस तरह का, उसके फीचर्स बता रहे हैं, ओनली आप क्या कर रहे हैं, इधर उधर सर हिला रहे, ओके ना. एम्पैथेटिक में आपने डायरेक्ट क्या किया कि एक ही बार बताओ, अभी बताने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है, ओके. क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होता है कि इट इज मोर मोस्ट एक्टिव लिसनिंग. लिसनर टेक्स इंटरेस्ट इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवैल्यूएटिंग द स्पीकर्स मैसेज एंड इट्स इम्प्लिकेशन फॉर हिम. म्हणजे काय कि इथे लिसनर जो आहे तो ऍक्टिव्ह असणार आहे. कस्टमर काय करेल, तो मेसेज अंडरस्टँड करेल, इव्हॅल्युएशन करेल. तो स्पीकर म्हणजे कोण, सेल्स पर्सन ने जे काही तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिली तो अंडरस्टँड करून त्याचं इव्हॅल्युएशन करेल. आणि त्यानंतर काय करेल कि इथे इंटरॅक्शन दोन्ही पार्टीज मध्ये होईल, म्हणजे तुमचं स्पीकर आणि लिसनर, म्हणजे तुमचं सेल्स पर्सन आणि कस्टमर.
सेल्स प्रेजेंटेशन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कस्टमर ड्यूरेबल्स एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व क्रिटिकल लिसनिंग. क्रिटिकल लिसनिंग म्हणजे काय की यामध्ये दोघंही इन्वॉल्व असतील आणि दोघांचं इंटरॅक्शन होईल, म्हणजे इंटरॅक्शन के दौरान यहाँ पे दोनों में क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, लिसनिंग तो हो ही रहा है. ट्रस्ट बिल्डिंग स्किल्स मध्ये काय होईल, सेल्स पर्सन शुड डेव्हलप स्पेशल स्किल्स टू बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन देम अँड कस्टमर्स. म्हणजे तुमचं हेही टाइप्स ऑफ लिसनिंग मध्ये काय सांगितलंय की ज्यावेळी तुम्हाला समोरचा लिसन करतो त्यावेळी त्याच्या माइंड मध्ये तुमच्याबद्दल विश्वास तयार करणं, टू बिल्ड अ ट्रस्ट. अशा पद्धतीचं कम्युनिकेशन तुम्हाला करावं लागेल तेव्हा ती लिसनिंगची प्रोसेस कशी होईल बेनिफिशियल असेल, कारण की त्यामध्ये तुम्ही ट्रस्ट तयार केला. डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन बायर अँड सेलर मोस्टली डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फॅक्टर्स. आता ट्रस्ट कसा येतो बायर आणि सेलर मध्ये, ट्रस्ट बिल्डिंग स्किल्स जे आहेत ते कुठल्या फॅक्टर्स वर डिपेंड करतात बघा. कॉम्पिटन्स लेवल म्हणजे ऑफ द सेलर टू बिल्ड ट्रस्ट एज इट रिफ्लेक्ट्स द नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट. म्हणजे आता तुमची लेवल कशी आहे ऍज अ सेल्स पर्सन, तुमच्याकडे कशा पद्धतीचं त्या प्रोडक्ट रिलेटेड नॉलेज आहे त्यानुसार तुमची कॉम्पिटन्स लेवल समजते. ट्रूथ ऑफ वर्ड्स यूज बाय सेल्स पर्सन म्हणजे तुम्ही कुठल्या पद्धतीचे वर्ड्स यूज करता ऍज अ सेल्स पर्सन ज्यामुळे कस्टमर तुमच्यावर ट्रस्ट करेल. प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ सेलर्स ऍक्शन म्हणजे तुमच्यामध्ये सेलर्सच्या ऍक्शन ज्या काही होतात, सपोज आता मी सेलर आहे, आपण इमॅजिन करूया तुम्ही मला लिसन करता आणि मी टीचर आहे इथे, तर माझे जे काही ऍक्शन्स आहेत मी जे काही एक्झाम्पल्स देईल तर त्यावरून तुम्ही काय करता की एक तुमचं प्रेडिक्शन केलं जातं. प्रेडिक्टॅबिलिटी म्हणजे काय की अंदाज, की ज्यामुळे तुम्हाला समजतं की हे जे काही सुरू आहे हे माझ्यासाठी उपयोगाचं आहे किंवा नाही, मला समजतंय का, किंवा हे भविष्यात फ्युचर मध्ये काय कामाचं असेल. म्हणजे तसं सेल्स पर्सन ज्या ऍक्शन करेल, जसं की आपण म्हणतो ना सुरुवात करतानाच गडबडला बोलताना, कम्युनिकेशन स्किल मध्ये आपण पाहिलं कन्वर्सेशन स्टार्ट करते वक्ती क्या हुआ की आपको दो मिनिट लग गए सोचते सोचते कहां से स्टार्ट करू, तो इस बीच क्या हुआ की लिसनर जो है उसके उसने प्रिडिक्शन लगा लिया की इसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, है ना, ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे आप लोग. तो इसके लिए प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ सेलर्स एक्शन. म्यूचुअल कॉमन सेंस बिटवीन द पार्टीज. अभी कॉमननेस क्या है, कॉमन सेंस सॉरी कॉमननेस है, म्यूचुअल कॉमननेस बिटवीन द पार्टीज. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है. टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अगर मेरा बीच में ही वीडियो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, तो फिर आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि शायद हम लोग जिस तरह से इंटरनेट को फेस कर रहे हैं उस तरह से मैडम को भी प्रॉब्लम हो सकती है. हमारे अंदर क्या है कि म्यूचुअल कॉमननेस है, तो इसकी वजह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है तो हमारा कम्युनिकेशन और लिसनिंग दोनों भी प्रॉपर हो जाएगा, तो ट्रस्ट बिल्डिंग भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाएगा. ट्रस्ट हम क्या कर सकते हैं, जब से एक दूसरे के ऊपर कर सकते हैं. ओके ना. नेक्स्ट थिंग है पुटिंग बायर्स इंटरेस्ट ऑन पार विद द सेलर्स इंटरेस्ट. बायर्स का इंटरेस्ट क्या है इसके बारे में ध्यान रखना. सामने वाले के बारे में जब हम सोचते हैं ना जिससे बात कर रहे हैं, तो शायद उसके अंदर क्या हो जाता है कि हमारे लिए कुछ ट्रस्ट तैयार होता है कि ये जो भी पर्सन है हमसे बात करने वाला तो इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसके इंटरेस्ट के बारे में, टाइम के बारे में, जैसे हमने सुना ना कि रिस्पेक्ट करना है कस्टमर के टाइम और इंटरेस्ट को, तो इस तरह का आपका एटीट्यूड अगर है तो शायद वो ट्रस्ट कर सकता है. ट्रस्ट बिल्डिंग स्किल्स में इतने सारे पॉइंट्स आएंगे. निगोशिएशन स्किल्स में फिर ये जो स्किल है इट इज कॉमन इन द बिजनेस ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स. निगोशिएशन जे ज्याला आपण काय म्हणतो की वाटाघाटी, मराठीमध्ये त्याला वाटाघाटी म्हणतात, म्हणजे काय तर निगोशिएशन हे ग्लोबल लेवलला किंवा नॅशनल लेवलला सुद्धा केलं जातं. ड्युरिंग निगोशिएशन ऑफ बिझनेस अँड यूज ऑफ पर्टिक्युलर स्ट्रॅटेजी सक्सेस डिपेंड्स ऑन द स्किल्स ऑफ द मेंबर्स. निगोशिएशन हे सुद्धा एक स्किल आहे बघा, सगळ्यांमध्ये असत नाही. निगोशिएशन करून मी एखादी गोष्ट घेणं, मला त्यामध्ये फार आनंद मिळतो की मी निगोशिएट चांगल्या पद्धतीने करू शकतो, म्हणजे माझ्याकडे काही स्किल्स आहेत जे की काही त्याचं डिपेंड कशावर आहे की तुमच्यामध्ये कम्युनिकेशन स्किल कसं आहे,
तुम्ही कशा पद्धतीने समोरच्याला हे करता, तुमचा अप्रोच कसा आहे, त्यानुसार ते निगोशिएशन केलं जातं. इट इन्वॉल्व सम स्किल्स अँड स्ट्रॅटेजीज. आता निगोशिएशन स्किल्स मध्ये जसं कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल ह्या सगळ्या पार्ट इथे येईल. प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल कशा पद्धतीचं असेल बघा. आय थिंक मला वाटतं आपण प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल पुढच्या लेक्चरला घेऊया, कारण खूप जास्त स्किल्स जर एकदमच आपले झाले तर सगळं डोक्यावरून जाण्याची शक्यता आहे. सो आपण आज इथे थांबूया. तुम्हाला आजचं लेक्चर समजलंच असेल, खूप साधा आणि सिम्पल होता. स्टिम्युलस रिस्पॉन्स थेअरी पाहिली, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन थेअरी पाहिली, नीड सॅटिस्फॅक्शन थेअरी पाहिली, सेलिंगचे स्किल्स आपण स्टडी केलेले आहे. पुन्हा रिवाइज करा. मी तुम्हाला जे काही सर्व्हिस मार्केटिंग आणि हे आहे लॉजिस्टिक त्याची लिंक पाठवणारच आहे. गणपती व्हॅकेशनच्या पूर्वी मी तुम्हाला सगळ्या लिंक्स पाठवेन. तुम्ही व्हॅकेशन मध्ये सगळ्या नोट्स असाइनमेंट कम्प्लीट करायचे आहे जेवढं आपलं शिकून झालेलं आहे तिथपर्यंत. ओके, सो इथे थांबतोय आपण. थँक्यू सो मच.